गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम एक पेशेंट की बात कर रहे हैं, जो उनका नाम है अक्षत नाम है और वो 9 ईयर के हैं। उनका ट्रीटमेंट अपने पास चल रहा है। उनको बाई बर्थ ADHD और ऑटिज्म साथ में, मीन्स इनका जो मेन कंप्लेन है वो ऑटिज्म की है, जिसमें बच्चा दुनिया से टूट जाता है, इनडिफरेंस, मीन्स की सिर्फ अपने में रहना पसंद करता है, खेलना कूदना या अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, बाकी बच्चों से या फिर फैमिली से अटैचमेंट ये नहीं होता है। दूसरा, उसके इस बिहेवियर की वजह से, उस इस डिसऑर्डर की वजह से उनका पढ़ने में लिखने में प्रॉब्लम आती है, सबके साथ मिक्स होने में प्रॉब्लम आती है, एक रूटीन में ढलने में प्रॉब्लम आती है, जिससे हर बात में बच्चों से पिछड़ जाते हैं। और फैमिली या फिर कुछ फैमिली या पेरेंट्स समझते हैं बच्चे को पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, वो नाटक कर रहा है, इतना समझाते थे, अच्छे स्कूल में डालते हैं, इतना समझाते पढ़ाते, ट्यूशन लगा रखी है, फिर भी वो पढ़ना नहीं चाहता है और कुछ ना कुछ करता रहता है, किसी से बात नहीं करता है। तो ये उनको समझना चाहिए कि वो कोई नाटक नहीं, ड्रामा नहीं कर रहा है, ये बच्चे का मेंटल डिसऑर्डर है जिसके लिए उसको एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सेकेंड चीज, ऑटिज्म के साथ साथ ये बीमारी आती है ADHD, ठीक है। ADHD में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, जहाँ ऑटिज्म के अंदर वो एकदम ही बिल्कुल डल और अपने ही दुनिया में खोया रहता है ना, खेलना कूदना तो बाहर जाना पसंद नहीं होता है, कोई से आके बात करे प्यार करे तो पसंद नहीं रहता है, वहीं ADHD में उसका मेंटल फिजिकल रेस्टलेस, मतलब बहुत ज्यादा उछलना कूदना करना, एक जगह बैठना नहीं, शैतानी करना, कुछ फेंकना, तोड़ना, बच्चों को मारना, खिलौने मांगना भी, जिद्दी भी करना, फिर उनको तोड़ भी देना, कहीं भी जाओ तो किस चीज का कुत्ते डांट दो, मार दो। इवन ADHD में बच्चे को मारने से, डांटने से उसको उसका ना दर्द रहता है ना दर्द होता है उसको, ना उसको उसका फील ही नहीं होती, क्योंकि ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जो आपके बॉडी के और ब्रेन के इम्बेलेंस की वजह से हो रहा है। वो उसका ब्रेन और फिजिकल इतना इम्बेलेंस, इतना रेस्टलेस है, इतने उसमें है वो, कि वो आप उसको कितने बैठा पढ़ा ले कर लो नहीं बैठ पाएगा। काफी और बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि ना सर इसको इतनी स्कूल चेंज करवा दी है, इतने ट्यूशन टीचर चेंज करवा दिए, ना बैठता नहीं पढ़ता नहीं, अब लोग स्कूल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, वो भी इनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कितना शैतान है, इसको पढ़ने का मन नहीं करता है। जैसे आपने एक मूवी देखी हो तारे जमीन पर, उसमें अरशद वारसी का तो रोल होता है उस बच्चे का, उसमें यही होता है कि इतना शैतान होता है, उसको पढ़ना लिखना पसंद नहीं आता, पर क्रिएटिव बहुत होता है, शैतानी में बहुत दिमाग चलता है उसका, पर स्टडी में और पढ़ाई में या बैठ के जो काम करने वाला हो उस पर नहीं चलता है। तो ये ADHD होती है। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ है, वो है अक्षत सैनी। उनके सीन में ये है कि उनको ऑटिज्म है, वो म्यूटेड चाइल्ड है, उन्होंने बोलना और सुनना कभी बचपन में उन्होंने सुना नहीं है, तो केवल बोलने के लिए वर्ड नहीं थे, बचपन से बोलना नहीं था उनके साथ, इतने शैतान के 3-3 मंजिल से कूद जाना, घर से बिना बता बाहर दरवाजा कूद के बाहर भाग के चले आना, ये सब उनके शैतानी करते थे, वो मारना पीटना, बैठ के खाना भी नहीं खाना, तो ये उनका रेस्टलेस था, ADHD के सिम्टम थे। और किसी से बोलना नहीं, मुंह से कोई वर्ड नहीं बोला, बोलते भी थे तो ऐसी लैंग्वेज बोलते थे जो हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में एलियन लैंग्वेज। एलियन लैंग्वेज मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, टूटे फूटे मिक्स वर्ड बोलना करना। अब उनके ट्रीटमेंट को पूरी 5 to 6 month हो चुके हैं, है ना। हम कैंप में जिन जेनेटिव डिसऑर्डर का कैंप लगाते हैं लास्ट सैटरडे का, उसी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, सारी मेडिसिन काउंसलिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी फैमिली के लिए। तो उसमें हम जो उनको मेडिसिन दे रहे हैं, आज 4 to 6 month हो चुके हैं, उनमें उनमें उनका वायलेंस कम हो चुका है, उनको चोट का दर्द का एहसास लग गया, वो बैठ के बात मानते हैं, कोई काम बोलते काम करते हैं। तो इसका जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है उसमें बताया गया है, उसमें उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनकी मदर है, उनका स्टेटमेंट है कि इसमें पहले से कितना क्या इंप्रूवमेंट आ चुका है। थैंक यू। बताइए अभी कैसे लग रहा है? कितनी कितनी छुट्टी? और जो भागना दौड़ना होता वो जब फर्स्ट टाइम लेके आया था, बोला था ये दरवाजा कूद के चला आता है, नहीं, एक वो दिन तो में नहीं जैसे कूद करता, जाता है वो, अब वो नहीं करता, अब वो नहीं बस करता। जिद्दी करता है, जिद्दी छोड़ता नहीं, इसके ताल लग जाएगी, जाना है तो जाना ही है धीरे जाएगी, बस, धीरे जाएगी। मैं हाँ बोला वही था बोले सर। पहले ये हाँ खुद को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना ये बंद करेगा। तो हाँ पहले ये था ना कहीं से कूद जाए तो दर्द वर्द नहीं हाँ होता करता है, वो कैसा प्ले बताओ? वो तो सही है, वो वो सही है, तो अब नहीं करता। अब नहीं आना। आपको पहले कहीं अपनी मर्जी भागना दौड़ना था वो, हाँ अब खाने पीने में भी ले देता है और बैठ के खा भी लेता है आराम से, आराम से खा हाँ लेता है, स्कूल भी चला जाता है। नहीं बस ये तो इसके ना आवाज साफ नहीं आती और याद कुछ नहीं होता, पढ़ाई में देख एक कुछ भी याद जब करो। आया था कुछ अलग लैंग्वेज बोलता था, कुछ हाँ समझ नहीं आता, हाँ कोई अलग ही भाषा बोलता था, उनमें अब हाँ कितना फर्क आया पहले के ऐसे मुकाबले? तो अभी बहुत फर्क है, लेकिन अच्छा अभी तक मैं जब जो बुलाएंगे ना अपन हाँ साग सब्जी का नाम, वो सही से नहीं बोल पाता ये। ठीक है, कुछ नए वर्ड बोल तो रहा है ना, पहले हाँ तो वही अपनी बोल रहा भाषा का है, तो एक शब्द भी नहीं बोलता था, ये हाँ अलग ही भाषा बोलता था बोले अलग ही ना, बोलता था है पूरा, ना। अब अब उनमें खुल रहे हैं, वर्ड आ रहे उनमें हैं। तो सही है। अच्छा कुछ बात बताते हैं, कोई काम दिया वो कैसा, अभी मतलब वहां जाके बैठो या करो, ऐसे कुछ काम छोटा मोटा दे दिया वो?
कर लेता है सर, अब तो जब कर लेता ही भी है, बोलती हूँ ना तब कर तो लेता कहता है लेटरिन पोछा खाना पीना सब इसका भी प्रभु सब ठीक। कर रहा है, हाँ बिठा दो बैठ जाता कर देता है। हाँ स्कूल का बताओ, स्कूल में कैसा है? स्कूल में सर वो बदमाशी का ये बस, टीचर पहले से कितनी कम है? भी यही कहती है बैठता है नहीं है ये लड़का, तो पहले से कितनी कम है फिर भी बताओ। पहले से तो कम है सर, पहले स्कूल जाने में बहुत डिच बना करता था लेकिन अब चला जाता है, वो हाँ डरता भी है, बिठाते हैं तो बैठ भी जाता है, फिर 2 मिनट में फिर फिर चलना वापस शुरू, वही हो 2 मिनट फिर भूल जाएगा ये वापस के अपन को जाएगा। अभी कोई कुछ क्या था, वो वापस भूल अभी जाएगा, वो कूदा तो नहीं ना ऊपर ऊपर से, नहीं कूदता उतर और जो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं माना वो भी करना वो नहीं, भी ना। ठीक है, कपड़े पहनना करना इसके खुद के ये पहन सब पहन लेता है लेता दीदी। है ना। हाँ अच्छा, और खाने पीने का बता ही दिया आपने, कहीं बिना बताए थोड़ी जब कहीं जा रहा है नहीं ढूंढ बिना के आना बताए करना नहीं पड़ रहा है। जाता, एक बार हुआ था ना ऐसे कि बोल के बिना निकल हाँ गया वो था, पहले जाता था अब तो नहीं जाता, अब तो बोल के जाता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अब इसको कोई चोट लगती दर्द होता है क्या? इसको हाँ दर्द तो होता है, दर्द होता है ना, डर लग रहा है पहले से इसको किस बात का? हाँ अब तो बोल देता है हर चीज के लिए, तो पहले लगाव नहीं था मतलब घर पहले वालों कुछ नहीं से, था। माँ बाप हाँ से, अभी कुछ जान रहा है घर वालों हाँ को तो देख जानता रहा। ही, पहले तो कुछ नहीं जानता था अब तो जानता है, अब तो सब बोल देता है, और गुस्सा जो बहुत तेज था पहले, अब गुस्सा कैसे अब है? तो गुस्सा भी कम हो गया।